बड़ी दहाड़ से पहाड़ों का कलेजा कांपने लगता है, मेरी गरज से धरती का सीना लरजने लगता है, और तुम साले कानूनी कीड़े मेरे जुल्म की मखमली दुनिया को गंदा करने आए हो, मैं तुम दोनों को मौत के फंदे में लटका कर जिंदा चला दूंगा। नंदू भैया, ये दम तोड़ती हुई चीखे सुन रहे हो? जहां दरिंदों की हुकूमत हो वहां चीखे नहीं तो क्या भजन कीर्तन सुनाई देंगे? सुना है कि अपने आप को किंग कहता है। अगर वो उसकी दुनिया का किंग है तो मैं भी अपनी दुनिया का किंग हूं। लेकिन वो बहुत खतरनाक है। मैं हर खतरे की नाक काटने का हुनर जानता हूं। मैं अभी आता हूं। चंगुरा साहब, लाल रंग आपके चेहरे पे चमक रहा है, लगता है आज फिर आप पुलिस वालों के लाशें जलाई। जिस तरह नेवले को सांप से नफरत होती है उसी तरह मुझे पुलिस वालों से नफरत है। तो देखना, एक दिन आएगा जिस दिन इस देश में एक भी पुलिस वाला जिंदा नहीं बचा होगा। नफरत की आग को जलाने के लिए हमें दौलत और बारूद की ताकत चाहिए। वो कब मिलेंगे? बहुत जल्दी, डॉन के भेजे हुए हथियार आ ही जाएंगे। लेकिन कैसे, यहाँ तो चप्पे चप्पे पे पुलिस का पहरा है। पुलिस जमीन पे झाड़ू मारती रहेगी और हमारे हथियार आसमान का सीना चीर कर आ जाएंगे। वो देख, मिस्टर जंगोरा, आपके बोलने के मुताबिक हमने बारूद, मशीन गन और ठौलर आपको लाकर दिया। उसके बदले में हमको इंसान का किडनी, 100 किडनीज मांगता। किडनी यानी गुर्दे मिल जाएंगे। 8 दिन के अंदर अंदर ये ऑर्डर पूरा किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हमारे देश में मिट्टी महंगी है और इंसान सस्ते। जाओ। थैंक यू वेरी मच। ले जाओ ये मशीन गन, ये बारूद, ये हथियार और तबाही मचा दो पूरे देश में। मैं ये हुकूमत की बुनियाद को गिराकर अपने हुकूमत की बुनियाद रखूंगा। आई एम अ किंग। हमारे देश की बुनियादों को कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि इन बुनियादों को लाखों शहीदों ने अपने खून से सींचा है। और वो देश के दुश्मन जो मासूमों का खून बहाकर इस धरती पर शोलों की फसल उगाना चाहते हैं, एक न एक दिन कानून उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेगा। सर, कहिए। मैं प्रजासत्ताक दैनिक की प्रेस रिपोर्टर सीमा हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आखिर वो दिन कब आएगा जब देश के दुश्मनों के चेहरे पहचाने जाएंगे? पहचाने जाएंगे जब पब्लिक, प्रेस और पुलिस कंधे से कंधा मिलाकर उनके खिलाफ ऐलान जंग करेगी। उनके चित्रे उड़ जाएंगे जो देश के घरों में और गलियों में बमों के धमाके करते हैं। कर दिया मैंने, अस्पताल में बम फिट कर दिया। कम से कम 2000 लाशें गिरेंगी, हुकूमत हिल जाएगी, इंसाफ और कानून पर से जनता का विश्वास उठ जाएगा। अटेंशन प्लीज, जितनी जल्दी हो सके ये हॉस्पिटल खाली कर दीजिए और
हॉस्पिटल के अंदर बम रखा हुआ है। तीसरे विश्व युद्ध का धमाका है। मासूम बच्चों की चीखें कानून का कलेजा दहला रही है, मगर यह धमाका करने वालों के हाथ अब तक कानून की हथकड़ियों से बहुत दूर है। एक तरफ वो दहशत फैला रहे हैं और दूसरी तरफ मरीजों के गुर्दे विदेश भेज रहे हैं। न जाने ये बेरहम जल्लाद कौन है और किस भेस में है। क्या मेरा भाई पकड़ा गया? मैं आज ही पुलिस स्टेशन पर हमला करके उसको छुड़ाऊंगा। नहीं नंदो, इस बार हम उसे कानूनी तौर पे छुड़ाएंगे। पहले खबर लेंगे उस खबरी की जिसने हमारी खबर पुलिस को दी है। तुम्हारी दी हुई खबर सच निकली, तुम जा सकते हो। थैंक यू। ये मुझे कहां लेके आए हो? अरे बड़े साहब से मिलाने लाया है, और काय के लिए? अगर जिंदा रहना चाहता है तो सच सच बता दे, तूने कुंदन को हमारे बारे में क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया। इंस्पेक्टर कुंदन ने तुम्हारी बहन के सिर्फ एक भयानक तस्वीर खींची थी और तुमने सब कुछ बक दिया। मगर मैं तेरे बहन के भविष्य को भयानक करके दिखाऊंगा। और मैं मेरे भाई का बदला तेरी बहन की इज्जत लूट कर लूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे करूंगा। वेरी गुड, अब तो हमारे इस आदमी को लेकर इंस्पेक्टर कुंदन के वहां जाएगा। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। आपने मुझे नेक रास्ते पर डालकर मेरी तो दुनिया ही बदल दी। ये मेरा मोसेरा भाई है, गूंगा है बेचारा। नमस्ते करो साहब को। नमस्ते। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की मगर इसने बुराई का रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन जब मैंने इसे आपके बारे में बताया तो ये सुधर गया। मैं चलता हूं, मुझे भीमा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं। आपके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है कि आप जैसे बाइज्जत शहरी को कुछ दिन हवालात में गुजारने पड़े। कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ क्यों रहे हैं? यह साबित हो चुका है कि यह बेगुनाह है और असली मुजरिम तुम हो। हां तुम, आज तक रोशनी बनकर तुम मुझे अंधेरे में भटकाते रहे, लेकिन आज यह असलियत सामने आ गई है कि हथियारों का स्मगलिंग तुम करते हो। तुम इतनी बड़ी गाली मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी सर। कानून भी तुम्हारी गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या सबूत है कि मैं गद्दार हूं? मैं जानते हो अपने इस पार्टनर को? हाँ, ये तो रवि का भाई है। इंस्पेक्टर देवराज ने इसे अरेस्ट किया है और इसने अपने बयान में कहा है कि ये तुम्हारा पार्टनर है। क्या? ये सब झूठ है सर। ये बयान दे कैसे सकता है? ये तो गूंगा है। अच्छा, ये तो गूंगा भी है। जरा इन्हें बोल के दिखाइए। तुम्हारे डर नहीं तो आज तक मुझे गूंगा बना के रखा था, लेकिन आज मैं चीख चीख कर कहूंगा कि तुमने मुझे स्मगलिंग करने पर मजबूर किया। कमिश्नर साहब, मेरे हर काले धंधे में ये मेरा पार्टनर है। कमिश्नर माथुर और इंस्पेक्टर देवराज की गवाहियों ने साबित कर दिया है कि मुल्जिम कुंदन ही आते रहे, इसलिए अदालत कुंदन के लिए उम्र कैद की सजा तजवीज करती है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, कुंदन बेगुनाह, ये मैं साबित कर सकता हूं। क्या बात करते हो सर? मैं उन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं जिन्होंने कुंदन को फंसाया है। सर, आप क्या कह रहे हैं?
तुम वो बेवकूफ पुलिस ऑफिसर हो जिसकी अकल को फर्ज के बोझ ने दबा रखा है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं सर, लेकिन आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं अपने चपरासी से कहूं साहब को बाहर का रास्ता दिखा दो। रास्ता तो मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि पुलिस की नौकरी किस तरह की जाती है और किसी बेगुनाह को सजा दिलाने की सजा कितनी भयानक होती है। और वो लोग जिन्होंने मेरे बेगुनाह बेटे को फंसाया है, अगर उनको मैंने जेल के रास्ते पर न दौड़ाया तो मेरा नाम भी जस्टिस कपूर नहीं। यार नंदू, वो जज पलटी मार गया है और बहुत जल्द तुम दोनों को जेल के रास्ते पर दौड़ाने वाला है। आगे क्या करने का है सोचो। अच्छा मैं देखता हूँ। क्या बात है? बाप ने बेटे को सजा सुना दी, फिर उसकी अकल दौड़ी कि बेटा बेगुनाह है। अगर उसने कुंदन को बेगुनाह साबित कर दिया तो चील के झपटने से पहले जो बोटी उड़ा ले जाता है वही चालाक कौवा कहलाता है। कौन है तुम लोग? वही जिसको तू जेल के रास्ते पे दौड़ाना चाहता था। तो तुम ही हो वो जिन्होंने कानून में कुर्बान होने वाले सिपाही को कातिल बना दिया? हाँ, हमें लोगों ने कुंदन को कानून के रास्ते पे उल्टा दौड़ाया था और अब मेरा बेटा तुम्हें उस रास्ते पे दौड़ाएगा जिसका अंजाम फांसी की तरफ जाता है। और हम तुझे उसी रास्ते पे सीधे दौड़ाएंगे जिस रास्ते पे आग ही आग होगी। भी खाना खा ले। खा लूंगा। वाह, माचिस की तीली से तोप का काम लेकर तूने कमाल कर दिया। वाह हाँ, अब हमें कुंदन से कोई खतरा नहीं है क्योंकि जिस कानून के लिए वो खतरों से खेलता था वही कानून तलवार बनकर उसके सर पर लटक रही है। लेकिन मैं कब तक थाली के बैंगन की तरह इधर उधर लुढ़कता रहूंगा? आप ये बताइए कि मैं मंत्री कब बनूंगा? जब दीवार पर नई पिक्चर का पोस्टर लगाना हो तो पहले पुराना पोस्टर फाड़ना पड़ता है। क्या तुम मंत्री को जान से मार डालोगे? नहीं, पहले हम उसे किडनैप करेंगे, सरकार के फौजी राज पूछेंगे, बाद में उसे आखिरी वोट यानी कि मौत का वोट देकर जिंदगी के चुनाव में जिता देंगे। नहीं, मैं इन लोगों की चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा।
रुक जाओ कुंदन। अरे भाई मैं कुंदन नहीं कन्हैया हूँ, कन्हैया। तुम कुंदन हो या कन्हैया, मंत्री जी की जान खतरे में है, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना है। तो मंत्री जी को मैं बचाऊंगा और कमिश्नर साहब को यह साबित कर दूंगा कि मैं भी कुंदन से कम नहीं हूं। बैठ जाओ। ठीक है, जल्दी चलो। अरे यार वो रवि कहाँ चला गया जिसने कुंदन को अंदर करवाने में और भीमा को आजाद करवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। डैडी मैंने उसको देखा, वो कुंदन के साथ जा रहा था। जब अपने आंसू सूख जाते हैं तो लोग दूसरों के आंसू पोंछने चले जाते हैं। ठीक है नेताजी, तुम एक काम करो, तुम जल्दी जाके देवराज को होशियार कर दो, उसे कहना कि गोगा और डागा कमांडो बनकर आएंगे और मंत्री को उठा के लेके जाएंगे। अभी जाता हूँ। अरे बाप रे। और आप? मैं सारी रिपोर्ट लेने के लिए रास्ते में मिलूंगा आपको, जाओ। और तुम दोनों ये हेलीकॉप्टर ले जाके कुंदन और रवि को खत्म कर दो, जाओ। हॉस्पिटल चलते, चलो। नहीं तुम जाओ, मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है, मंत्री जी की जान को खतरा है, जाओ जल्दी जाओ। आई जाओ जल्दी जाओ। आज आजादी का दिन है। इधर, इधर। अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मंत्री जी बाहर आ रहे हैं, मेरे को फोटो खिंचाने का है। इससे पहले कि जंगूरा साहब तेरी आखिरी फोटो खींचे, मेरी बात ध्यान से सुन। क्या? जेल से भागा हुआ कुंदन मंत्री को बचाने आ रहा है, सावधान हो जा। अरे सावधान क्या हो जाओ, अरे जब मक्खी की मौत आती है तो गोंद चाटने चली आती है और वहीं चिपक के मर जाती है। आने दो साले को, उसको ऐसा मजा चखाऊंगा कि फड़फड़ा के वहीं रह जाएगा। आप जाओ, मैं संभाल लेता हूँ। शाबाश मंत्री जी, एक खतरनाक मुजरिम कुंदन जेल से फरार हो गया। कौन कुंदन? वही कुंदन जिसने कमिश्नर की आंखों के सामने खून किया था। वही मंत्री जी, लेकिन उसकी बातों में नहीं आना, उससे आपकी जान को बहुत खतरा है। नहीं? लो खतरा आ भी गया। कुंदन कानून से बगावत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैं कुंदन नहीं कन्हैया हूँ मंत्री जी, अपनी जान बचाइए, आपकी जान खतरे में। कानून के सीने में खंजर भोंकने वाले, अगर मैं मर भी जाऊंगा तेरी बातों पे भरोसा नहीं करूंगा। पछताएंगे मंत्री जी, मेरी बात ना मानकर आप बहुत पछताएंगे। मंत्री जी आप इन लोग के साथ जाइए, मैं इसे संभालता हूँ। अबे छोड़। अरे मौत ने भी आज तक किसी को छोड़ा है जो मैं तुझे छोड़ो। जाइए। आई मंत्री जी, आई मेरे साथ आइए प्लीज। पहले मंत्री जी को बचा लूं, फिर तुझसे निपट लूंगा।
और हिलो मत। अरे अरे चल मंत्री, जाने जा रहे हो, अंदर जाने जा रहे हो, अंदर चल। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तू शराब से चल अंदर। क्या कर रहे हो तुम, मैंने कुंदन पे भरोसा नहीं करके शायद जिंदगी की पहली और आखिरी भूल की। यही भूल अब तुझे धूल में मिला देगी रे मंत्री। चला गोली, लेकिन एक बात याद रखना, कुंदन तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। इससे पहले तेरी भेंट चढ़ाकर कुंदन को बलि का बकरा बना देंगे। चला गोली। पकड़ ले इसे, इसी ने मंत्री का खून किया। कितनी रात हो गई है भैया, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। भैया ये क्या हुआ, किसने मारा तुमको, किसने मारा तुमको? मुझे मुझे चंगुरा ने मारा। तूने मेरे भाई को मार डाला है, आज मैं कसम खाती हूँ कि तेरे आस्तीन का सांप बनकर तुझे डसूंगी और अपनी भाई की मौत का बदला लूंगी। आखिर हमारा शक गलत निकला, जिसको हमने मंत्री के खून के इंजाम में अंदर करवाया वो कुंदन नहीं कन्हैया है। लेकिन अंदर से जो बाहर आया वो तो कुंदन है, और अब इंतकाम लेने के लिए वो खतरे की घंटी बनकर हमारे सर पर बसता रहेगा। कल तक पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे था, आज वो अकेला है और अकेला तिनका तूफान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंदो तुम जाकर मिल मजदूर यूनियन के लीडर का खून कर डालो, शहर में दहशत और खौफ का माहौल बना रहना चाहिए। कोई सबूत नहीं छोड़ा, लगता है कातिल बहुत होशियार है। मैं जानता हूं कातिल कौन है। कौन है कातिल? वही भड़वा नंदू, जिसके इशारे पर तू जुर्म की रंडी बनकर पेशा करता है। और तू क्या यहां कलाई में गजरा बांध कर मेरा नाच देखने आया है? मैं सिर्फ तुझे यह कहने आया हूं कि मैंने कानून से बगावत कर ली है। जा
जाकर अपने नाजायज बापों से कह देना कि मैं बहुत जल्द उनकी हुकूमतों को खिला कर रख दूंगा। क्या वो जानता है कि खून मैंने किया? हाँ, कानून ने वर्दी उतार कर उसे नंगा कर दिया। अब वो जुर्म की चादर ओढ़कर इस शहर पर हुकूमत करना चाहता है। ना ही एक तख्त पर दो शहंशाह बैठ सकते हैं और ना ही एक अंगूठी में दो उंगली घुस सकते हैं। चलो अभी डायलॉग मत मारो नंदू, वो इंस्पेक्टर को जाके सिखाओ कि जुर्म का खेल कैसे खेला जाता है। फोन पर तूने कहा था कि तुम उससे मिलना चाहता है, क्या तेरी मिलने की चाहत इन बारूद भरे खिलौनों की छांव में होगी? मेरे मुंह से आवाज नहीं आग निकलती है, इसीलिए हमेशा मेरे साथ ये बम बारूद रहते हैं। तू भी मेरे साथ मिल जा, मैं तुझे ऐसा बारूद बनाऊंगा जिसका धमाका सुनकर कानून के माथे पर मौत का पसीना छूट जाए। अगर तूने कोई फितनेगिरी करने की कोशिश की तो वो तुझे उतनी ही महंगी पड़ेगी जितनी उस खरगोश को पड़ी थी जिसने शेर की दुम को खिलौना समझकर खेलने की कोशिश की थी। मैं खरगोश नहीं, हाथी हूं और तेरी औकात मेरे सामने एक नारियल की तरह है जिसको मैं जब चाहे टुकड़े करके फेंक दूं। अब भैंस के अंडे से निकले हुए हाथी, बहुत बोल चुका है तू। आइंदा फिर कभी गलती से मेरे सामने आ गया तो तेरी बोलती बंद कर दूंगा। जी डैडी। क्या हो रहा है? डैडी क्या है कि आज मेरा दोस्त लाल सिंह मुझे किसी फिल्म डायरेक्टर से मिलाने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उस फिल्म में जरूर हीरो बनूंगा। देखा, हीरो बनने जा रहा है, ये नाक बची है वो भी बिरादरी में कटवा डालेगा। लोग बोलेंगे ये ऐसे आदमी का बाप है जो मुंह पे कथा चूना लगा के कथा का लिए करता घूमता है या रेप डांस में कमर मटकाता है। ये सब करना नहीं है, नहीं तो मैं तेरे को कचरे की तरह फुटपाथ पे फेंक दूंगा। बात समझता है कि नहीं? ये तो निकल जा मेरे घर से। डैडी एक दिन आएगा जब आप मुझे मिलने के लिए जरूर तरसेंगे। उस दिन मैं क्रिकेट और कबड्डी एक साथ खेलकर दिखाऊंगा, सूट पर चड्डी पहनकर दिखाऊंगा, तो लोग कहेंगे ये क्या, और मैं कहूंगा किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। मैं सूट पहनूं या चड्डी, किसी को क्या, किसी को क्या। मैं क्रिकेट खेलूं या कबड्डी, किसी को क्या, किसी को क्या। चांद को रख लूं पॉकेट में या दिल्ली जाऊं रॉकेट में, मैं चांद को रख लूं पॉकेट में या दिल्ली जाऊं रॉकेट में, किसी को क्या, किसी को क्या। मैड 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 मुझे दुनिया कह कहती है तो कहती रहे मुझे को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। मैं सूट पहनूं या चड्डी, किसी को क्या, किसी को क्या। मैं क्रिकेट खेलूं या कबड्डी, किसी को क्या, किसी को क्या। मैं
सर्दी में किसी को क्या मैं खेतों में प्लेन चलाऊं बिना टिकट अमेरिका जाऊं अरे किसी को क्या किसी को क्या मैड 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 मुझे दुनिया कहे कहती है तो कहती रहे मुझको क्या मैं सूरत देखूं पानी में किसी को क्या मैं बात करूं जापानी में किसी को क्या मैं रस्सी से खींचू रेल मैं पढ़ के हो जाऊं फेल किसी को क्या मैं छत पे मैड 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 मुझे दुनिया कह कहती है तो कहते रहे मुझको क्या मैं रोज घुमाऊं लड़की किसी को क्या किसी को क्या मैं खर्रा पीऊं या व्हिस्की किसी को क्या तुमको क्या तुमको क्या और मुझे भी क्या यार लाल सिंह एक बात तो बता मेरा डांस तुझे कैसा लगा ओ यार बड़ा जबरदस्त मैं तो कहता हूँ तेरे को डिस्को से लेकर रैप डांस टैप डांस तक अवार्ड मिलना चाहिए थैंक यू यार अच्छा ये बता मैं हीरो बन सकता हूँ कि नहीं ओ यार हीरो और मेरा भाई हरा सिंह डायरेक्टर है तेरे को अपनी फिल्म में हीरो बना देगा ओ रियली और थैंक यू यार थैंक यू ओए लाल सिंह हाँ लेकिन तुम दोनों की शक्ल तो हूबहू मिलती है एकदम डुप्लीकेट और डुप्लीकेट तो है वो जुड़वे हम दोनों जुड़वे पाइए आइए हरा सिंह तब है लाल सिंह अजीब नाम है हरा सिंह लाल सिंह ओके जी हमारे साथ एक कॉमेडी होगी है और जब हमारे माँ के पेट में हम थे ना तो माँ सफर करते ट्रेन में हैं जी तो लाल सिग्नल पड़ी तो मैं पैदा हो गया तो हो गया मैं लाल सिंह जैसे हरा सिग्नल पड़ गया तो मैं पैदा हो गया हरा सिंह एक बात बताइए उस दिन अगर गाड़ी का सिग्नल ना पड़ता तो क्या होता तो क्या हम अपनी माँ के पेट में पड़े रहते तेरा मतलब क्या है हमारे जज्बात से खेलता है तू नहीं जी नहीं खिंचा कर तू जी नहीं तू एक्टर बनने आया तू एक्टर है अपनी शक्ल देख कंडक्टर लग रहे तू कंडक्टर ओए तमीज से बात कर मैं अगर कंडक्टर लगता हूँ तो तू फटीचर लगता है ओए तमीज से बात करो ओए तमीज से बात करो ओए कौन है ये चुप मैं माफ कर दो जी दोस्त है जी अरे तू पागल है पागल मैं पागल हूँ किसने बताया मैं पागल हूँ अरे यार किसने बताया ओए लाले लाले मैं तेरे को मना किया था मेरे कार ना आना किसी को नहीं मिलवाना तू पागल है चल जा ओए लाल सिंह हाँ जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल है कौन है हाँ जी मेरा दोस्त है कड़ी नमस्ते जी अच्छा 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 नमस्ते नमस्ते ओए लड़की देखी है शादी के वास्ते हैं ये क्या कर रही है शादी अरे ओए खोतिया मैं अपनी नहीं तेरी शादी की बात कर रहा मेरे लिए करोड़ों बाग दिल्ली 39/33/4 हैं जाना उधर लड़की की माँ तेरे को देखना चाहती है अच्छा और चल मेरे साथ क्या साथ ले जा इसको कहानी को और क्या क्या नाम है कहानी को ले जा चल मैं वहां जाके क्या करूंगा यार लड़की की माँ मेरे को देखना चाहती है तू लड़की देख मैं लड़की की माँ को देख लूंगा आज सत श्री अकाल चल चमेली अरे मज्जिद तू हाँ मैं अरे तू और तेरा गांव मुझे बहुत पसंद है इसीलिए मैं चली आई अच्छा हो गया तू आ गई क्यों कोई खास बात आज मुझे लड़का देखने आने वाला है तू भी देख ले लड़का कैसा है चल जल्दी से तैयार हो जा आता ही होगा अच्छा मैं अभी तैयार होती हूँ कौन
नमस्ते जी। नमस्ते जी, अजीर से मिलिए जी। ये मैं जानती हूँ, ये तुम्हारा दोस्त होगा और तुम हो लाल सिंह, है ना? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। तो फिर आप कौन है जी? अरे कमाल है, मैंने तुम लोगों को पहचाना और तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। अच्छा, आप मेरी होने वाली सास हूँ बेटे। आप लोग बैठो, मैं अभी चप्पा को भेजती हूँ, ठीक है? यार तू तो कमाल है, बुढ़िया को भी नहीं छोड़ा, जिधर देखा उधर धब्बा बोल दिया। ओ यार, इसमें मेरी गलती नहीं है, ये आजकल की लड़कियां है ना, ये औरतें माएं बेटियों से ज्यादा मेंटेन करती है, अपने को संभालती है, पता नहीं चलता बेटी कौन है माँ कौन है। ओ चुप कर यार, हम लोग की हीरोइन कब आएगी? हो जाएगी यार, आ जाएगी। सब्र का फल मीठा होता है, तू सब्र कर जिद न कर। ओए हाय, इसमें से मेरी वाली कौन सी है? वो तेरे को जो अच्छी लगी ना वो तू ले ले, बाकी तो मेरे लिए छोड़ देना यार। मंजू, तुझे कौन सा वाला पसंद है? मुझे तो वो सावला सलोना पसंद है, और मुझे तो वो चोरा दाढ़ी वाला। पानी नहीं है ये तो है मदिरा, आंखों से मदिरा पी।
सुहानी और आग लगाए पानी, बांधे से बंधे ना जवानी के बाहों में तू भर ले, के बाहों में तू भर ले। मैं दिल को संभालूं कैसे, तू झूम रही है ऐसे, सागर में मौज हो जैसे किनारे पे उतर ले, के बाहों में तू भर ले। गांव से इतनी जल्दी वापस आ गई? हाँ, आपको एक अजूबा दिखाने। कैसा अजूबा? कन्हैया। इंस्पेक्टर कुंदन तुम? खा गए ना अभी धोखा? ये कुंदन नहीं कन्हैया है, उसका हम शक्ल। क्या करते हो मिस्टर? आजकल हिंदी फिल्मों में हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ क्यों आए हो? आपकी बेटी का हाथ मांगने। इनकार मत करना बेटी, मुझे इस बात का अफसोस है कि कुंदन जैसे काबिल ऑफिसर का साथ छोड़कर तुमने इस बिगड़े हुए रईस का साथ दिया है। माना कि आपको कुंदन पर बड़ा नाज है, लेकिन ये कन्हैया उससे भी बड़ा रंगबाज है, और वक्त आने पर यह साबित कर दूंगा कि मैं भी कुंदन की तरह उन मुजरिमों को अंधा कर सकता हूं जो जुर्म करने के लिए गुनाहों के आसमान को ताकते रहते हैं। अपने इतने नेक और ईमानदार मंत्री का खून क्यों किया? मैंने खून नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने उनका खून किया है मैं उन्हें अच्छी तरह से पहचानता हूं, और कल अदालत में उनके नाक नक्शे बता दूंगा। इसका मतलब वो लोग पकड़े जाएंगे? जरूर पकड़े जाएंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ, पुलिस हमारे चित्रलेखा खींच लेगी और हम नहीं बचेंगे। अरे तो फिक्र मत कर नंदू, उसके जेल से बाहर निकलने के बाद हम उसे अदालत तक पहुंचने ही नहीं देंगे, रास्ते में ही खत्म कर देंगे साले। कहीं भी हो उसे देखते ही सीधा गोली मार दो। नहीं डैडी, ऐसा जुल्म मत कीजिए, प्लीज ऐसा जुल्म मत कीजिए डैडी। बेटी तुम जानती नहीं उसने फरार होने के लिए पुलिस वालों की लाशें गिराई हैं। वो किसी भी रूप में हो कानून से बच नहीं सकता। अरे ये तो वही है।
नशा नंदू, यू आर अंडर अरेस्ट, ले चलो। हेलो जंगुरा साहब, नंदू हथियारों समेत पकड़ा गया है। नंदू हथियारों समेत पकड़ा गया? जिस ट्रक से हथियार बरामद किए गए वो ट्रक बदलापुर का है और बदलापुर अपने देश की सरहद पर है। मुझे इस बात का यकीन हो रहा है कि उन गुंडों का अड्डा बदलापुर की पहाड़ियों में ही होगा। तुम पुलिस फोर्स लेके सीधा बदलापुर पुलिस स्टेशन चले जाओ और सरहद पर कड़ी नजर रखो। तरफ बढ़ने वाले हर रास्ते पर बारूद की बारिश कर दो। जाओ, कमिश्नर साहब, हमारे सारे पुलिस वाले मारे गए, हम में से कोई भी बदलापुर नहीं पहुंच सका। जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां कन्हैया जरूर पहुंचेगा। साहब, साहब नमस्ते। इधर उधर क्या देख रहे हो? साहब आप क्या अकेले आए हैं? हम जहां भी जाते हैं अकेले ही जाते हैं। कोई खास खबर? खास खबर है साहब, आज हमारे गांव में फिल्म की शूटिंग हो रही है। फिल्म की शूटिंग? देख शर्मिली, एक हाथ जाके तो अविनाश को दे देना और उससे कहना अगर वो कल यहाँ मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं यहाँ से खुदकुशी कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, अरे मिम साहब ये क्या कर रही है, खुदकुशी करना पाप है। ओए काटे काटे, ओए वो छड़े कौन है तू, काट कर काट कर काट कर काट कर, ओए वो छड़े कौन है तू, बीच में आ गया। अरे भाई ये क्या है यार, शूटिंग चल रही है, चल चल। सुनिए जी ये क्या, अरे यार क्यों मेरे नुकसान कर दो शरीफ बंदे, वो कोने में खड़े होकर शूटिंग देख लेना और ले जाओ कुछ यार काम का परेशान करता। ओए ओए फली मार, फली मार जल्दी, और जल्दी लगा और ले कैमरा। देख शर्मीली, ये खत जाके तो अविनाश को दे देना और उससे कहना कल वो अगर मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं यहाँ से खुदकुशी कर लूंगी। अरे मैम साहब, खुदकुशी का नाम मत लो। ओ, अरे यार ये कौन बंदा मुझे एनो ले क्या, एनो ले क्या इसको, ये कानून। अरे यार दोबारा वापस आ गया, चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, बाहर निकल। अरे क्या गवार आदमी है, सारी शूटिंग का मूड खराब कर दिया। क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है तेरा, बार बार फ्रेम में गर्दन घुसेड़ते हो, एक चमाट मारूंगा गर्दन तोड़ दूंगा तेरा। तू हमारी गर्दन तोड़ेगा है? अरे जो हमारी गर्दन तोड़ने की बात कर रहा था ना, हम उसकी गर्दन ऐसे तोड़ा था जैसे बच्चे मासिस की तीली तोड़ते हैं। यार गर्दन छोड़, गर्दन छोड़, क्या डलाग बोलता यार, कमाल है, जिसकी तलाश थी वो मिल गया यार। यार मेरी पिक्चर में काम करोगे? जी हाँ हाँ करूंगा। हीरो बनोगे? बनूंगा। और डांस मांस करोगे? हाँ करूंगा, अगर आपकी हसीना मान जाए तो करूंगा। एक उन्हें मानेगी इसकी माँ भी मान जाएगी, इसको पहले चांस मैंने दिया। अरे डायरेक्टर साहब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं नाचूंगी और इस जाल बनारसी के साथ। ओए, हमको कुछ भी कह दो लेकिन हमारे बनारस को गाली मत दो। ओए ये देखो मैम साहब, हमको बुरा भला कहना है तो कह दो लेकिन हमारे बनारस को कुछ नहीं कहना, नहीं तो एक रपट मार कर तेरा ये चांद सा मुखड़ा ना बनारसी पान की दुकान बना दूंगा। अरे ओ पहलवान, काहे गुस्सा करत हो, हम है ना तोरे साथ नाचने के लिए। हाँ ये बात हुई ना, अरे हम तोरे साथ ही ताता तैया करेंगे और इस मगरूर हसीना की आंखों में अपने प्यार का रंग भर देंगे, आ जा हम दिखाते। बड़ा आया आंखों में प्यार का रंग भरने वाला। We'll be right back.
हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए आंखों ही आंखों में इशारे हुए हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए दिल तुम्हारे लिए जा तुम्हारे लिए दिल तुम्हारे लिए जा तुम्हारे लिए Thank you.
तो मेरे से भी बड़ा हीरो है। हर दो पन्ने के बाद बनारसी बाबू का जिक्र। कोई बात नहीं बनारसी बाबू, अब हम इधर आ गए हैं, अब ना तू किसी की गर्दन तोड़ सकेगा और ना ही किसी की तिजोरी खोल सकेगा। साहब मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, उसने मेरे जीने का सहारा छीन लिया। कौन है वो? अरे वो बनारसी। बनारसी बता भगवान बता, मेरी पूजा में ऐसी कौन सी खोट रह गई कि तूने हमसे नजरें फेर ली? क्यों इस इंसानों के जंगल में औरत को शिकार और मर्दों को शिकारी बना दिया? अगर उस साहूकार की वजह से मेरी बेटी की बारात वापस लौट गई तो मैं तेरे सामने इसका गला घोटूंगी। फिर ना तुझे कोई भगवान मानेगा और ना कोई तेरी पूजा करेगा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो इंसान ना कर सका वो भगवान करेगा। बनारसी बेटे तू? ये लो मौसी तुम्हारी जमीन के कागजात। बेटे जो इंसाफ हमें कानून नहीं दे सका वो इंसाफ हम गरीबों को तूने दिलाया है। बनारसी सीधी तरह थाने चल, वरना टांगे तोड़कर तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। नया नया दरोगा बना है इसलिए तुझे माफ करता हूं, तू मेरी दरिंदगी को पहचानता नहीं इसलिए तुझे माफ करके तेरे साथ इंसाफ करता हूं। नया जरूर हूं मगर तेरी तारीफ सुन चुका हूं, जितने जुर्म किए हैं वो भी गिन चुका हूं, हर जुर्म की सजा तुझे कानून से दिलवाऊंगा। कसम खा के आया हूं तुझे हथकड़ी पहनाऊंगा, मुझसे टकराएगा तो टूट के बिखर जाएगा, तेरे पैर उधर गिरेंगे और तेरा सर इधर आएगा। ये सर सर फरोश का है, कटने से नहीं डरता है, मौत की धमकी जो देता है पहले वही मरता है। दारोगा जी ये मुजरिम नहीं है, ये तो हम गरीबों का दाता है। दाता बाप की कोख से जन्मा, जुर्म की आंख पर गुनाहों की रोटी सेक सेक कर खाने वाला ये कभी गरीबों का देवता नहीं हो सकता। दारोगा तूने मुझे मौत की गाली दी है, कसम शिव जी की अब मैं तेरे सर पे मौत का नगाड़ा बजाऊंगा। बजेगा, मौत का नगाड़ा जरूर बजेगा, क्योंकि तुझे मारूंगा मैं और शिव जी तेरी मौत का नगाड़ा बजाएंगे। भाग! दारोगा ये लो वो कागजात जिसके लिए तुमने बनारसी को पकड़ा है, छोड़ दो इसे। नहीं चाची, ये गलती नहीं करना। मगर ये जान लो उस कमीने साहूकार ने जमीन गिरवी रखते समय धोखे से कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया था, और अब जब मैं बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेचना चाहती हूँ तो वो कहता है
अपनी बेटी को मेरे पास भेज दो, तभी वो कागजात दे देगा। सारा गांव जानता है बनारसी बेगुनाह है, ये लो कागजात और छोड़ दो इसे। अरे वाह दरोगा साहब वाह, कमाल कर दिया आपने। जो काम बड़े बड़े अफसर नहीं कर सके वो आपने कर दिखाया। बनारसी जैसे भूत के हाथ से कागजात ले लिए, वाह 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 वाह, लाइए कागजात। दरोगा, अगर तूने कागजात साहूकार को दे दिए तो भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। अबे मुंह बंद रख अपना, वरना दरोगा साहब बत्ती की तोड़ के पत्थर मुंह में दे देंगे तेरे। क्यों दरोगा साहब? दरोगा साहब, माँ बहन की इज्जत के दुश्मन, आज के बाद अगर तूने कोई बेईमानी की ना तो बत्ती सी तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। चल भाग यहां से, भाग। ये लो मौसी, और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो, मैं बनारस को छोड़ दूंगा। जीते रहो।